हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का केस नंबर थर्ड, दैट इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स मतलब पिछले से कैसे रिलेट करता है, तो पहले तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, तो जो भी हमारे पास फॉर्म होती थी वाई इक्वल टू एक्स और पी में होती थी, तो हम लोग उसको किसके रेस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रेस्पेक्ट में। या थोड़ा सा चेंज है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और पी मिलेगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट आपको एक्स नहीं करना, अब वाई बिल्कुल जैसा वाई में किए थे उसका जस्ट अपोजिट करना है। तो x के वैल्यू मिलेगी आपको, फंक्शन मिलेगा y इन p, तो आपको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज dx बाय dy। तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले dy बाय dx को हम लोग लेते थे p, तो dx बाय dy क्या हो गया, दैट इज 1 बाय p, तो वही चीज़ मैंने लिखी है 1 बाय p dx बाय dy। और ये फंक्शन क्या मिल जाएगा आपको, दैट विल कंटेन y p एंड dp बाय dy, राइट। अब ये आपके पास में नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो अब क्या करना है आपको, अब जैसे पहले इसके लीनियर फैक्टर करते थे फिर सेम वैसे ही करना है आपको, इसके लीनियर फैक्टर करने हैं, और लीनियर फैक्टर में एक में आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा और एक में आपको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन वाले फैक्टर को आपको इग्नोर कर देना और जनरल सॉल्यूशन वाले को आपको लेकर चलना है, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद में जब हमारा ये पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई एंड सी आ जाएगा, तो जब यहाँ आपके पास में ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम वही काम करना है, पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई एंड सी आएगी, तो पी की वैल्यू को आपको रिप्लेस कर देना है यहाँ पर। तो जब आप पी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, दैट विल गिव यू अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इन केस अब पी यहाँ से अगर एलिमिनेट नहीं हो पाता वन एंड टू में, तो हम लोग क्या करते हैं, वन और टू को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करते हैं, जहाँ पर पी आपका क्या पैरामीटर है। तो ये पूरी थ्योरी बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है जैसे मैंने बताया कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और पी, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर आपको फंक्शन मिलेगा वाई पी डी पी बाई डी वाई। तो ये क्या, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसको आपको मिलाकर सॉल्व करना पड़ेगा। दो फैक्टर आएंगे यहाँ पर, एक सिंगुलर सॉल्यूशन, एक लीनियर आपके जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो सिंगुलर सॉल्यूशन वाला फैक्टर आपको छोड़ देना है बिल्कुल सेम, और जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा है मैंने, द एलिमिनेशन ऑफ पी फ्रॉम वन एंड टू गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो जो वन और टू में जो पी का आपकी वैल्यू आएगी उसको रिप्लेस कर देंगे, दैट विल गिव यू अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वन और टू को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे, जहां पर सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का मिलेगा, एक्स इक्वल टू एफ पी एंड सी और वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड सी, राइट। सो अब ये मेथड कब कब यूज़ होगा, तो एक तो मैंने आपको बताया, जब भी पूरी इक्वेशन में आपके पास में एक्स हो, तो ये समझ जाना कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इक्वेशन में आपके गिवन इक्वेशन में वाई हो ही ना, तब आपका ये मेथड यूजफुल होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, ठीक है।